हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप अपने सफ़ेद होते हुए बालों को जड़ से काला कर सकते हैं। इस प्रकार से काला कर सकते हैं कि वो दोबारा सफ़ेद होकर नहीं उगेंगे। गाइस, आजकल के यंग जनरेशन में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है कि बहुत कम एज के अंदर ही आपके बाल सफ़ेद होने शुरू हो जाते हैं, ग्रे कलर के होकर उगने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी एज बहुत ही ज़्यादा दिखाई देती है, आपका फेस देखने में बहुत ही बूढ़ा दिखाई देता है और बालों की ये समस्या आपके लिए बहुत बड़ी समस्या बनकर रह जाती है। बहुत सारी दवाइयों का इस्तेमाल करने के बाद भी और बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करने के बाद भी आपको इसका सोल्यूशन नहीं मिलता है। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए ऐसा कारगर नुस्खा बनाने वाले हैं जिसके इस्तेमाल से मात्र कुछ दिनों में ही अगर आप इसको इस्तेमाल कर लेंगे तो आप अपने सफ़ेद होते हुए बालों को जड़ से काला कर पाएंगे। गाइस, इस तरीके से काला कर पाएंगे कि वो जब भी उगेंगे तो वो सफ़ेद होकर नहीं उगेंगे, वो काले होकर ही उगेंगे। सो गाइस, अगर आपको भी ऐसी ही प्रॉब्लम है तो बने रहिए इस वीडियो में, इस वीडियो को एंड तक देखिए। और गाइज, आपसे एक रिक्वेस्ट भी, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं आपके लिए नुस्खा और आपको बताते हैं कि कैसे आपको इसे इस्तेमाल करना है। गाइज, इस नुस्खे को बनाने के लिए हमें तीन चीज़ें इस्तेमाल में लानी है, जिसमें गाइज सबसे पहली चीज़ तो आप जानते ही हैं, ये प्याज मैंने ले रखी है। आपको करना है कि प्याज को ग्राइंडर करके इसको पीस लेना है ताकि हम इसका रस इस नुस्खे में ऐड कर सकें। सो गाइज, पहली चीज़ जो हमें इसके अंदर ऐड करनी है वो है आंवला पाउडर। जैसा कि आप जानते हैं कि बालों की ग्रोथ के लिए और बालों को जड़ से काला रखने के लिए आंवला कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। सो गाइज, इस नुस्खे में आज हम आंवले के इस्तेमाल से इस नुस्खे को बनाने वाले हैं। आपको करना है कि आधे चम्मच से थोड़ा ज़्यादा आंवला पाउडर इसके अंदर ऐड कर लेना है। ये देखिए गाइज, इतना आंवला पाउडर मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया है, आधे चम्मच से थोड़ा ज़्यादा है ये। और गाइज, दूसरी चीज़ जो आपको इसके अंदर ऐड करनी है वो है गाइज प्याज का रस। ये देखिए गाइज, मैंने प्याज को मिक्सर ग्राइंडर में करके इसको पीस लिया है। आपको करना ये है कि आपको आधा चम्मच के बराबर प्याज का रस भी इसके अंदर ऐड कर लेना है। गाइज, इस तरीके से आपको ऐड कर लेना है। ये दोनों ही चीज़ें बहुत ही नेचुरल हैं आपके बालों को जड़ से काला करने के लिए, और इस तरीके से काला करने कि वो सफ़ेद होकर नहीं उगेंगे, वो सिर्फ काले होकर ही उगेंगे और वो भी बिल्कुल नेचुरल तरीके से। और गाइज, तीसरी चीज़ जो आपको इसके अंदर ऐड करनी है इस नुस्खे को कंप्लीट करने के लिए वह गाइज एलोवेरा जेल। जैसे कि आप जानते हैं कि आपकी स्किन और आपके बालों के लिए एलोवेरा का जेल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको स्किन प्रॉब्लम और हेयर प्रॉब्लम बहुत ही कम होती हैं। सो गाइज, इसके अंदर आपको एक से डेढ़ चम्मच एलोवेरा जेल भी ऐड कर देना है। ये देखिए गाइज, अब गाइज आपका नुस्खा बनकर तैयार हो गया। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको इसे लगाना है। पहले इसे मिक्स कर लेते हैं, अच्छे तरीके से मिक्स कीजिए ताकि ये एक पेस्ट बन जाए जिससे आप अपने बालों में अप्लाई कर सके बहुत ही इजीली। ये देखिए गाइज, आपका नुस्खा बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही आसानी से आप इसे बना सकते हैं बिल्कुल नेचुरल चीज़ों के द्वारा, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट भी नहीं होगा, इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। सो गाइज, अब आपका नुस्खा बनकर तैयार हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको उसको अपने बालों में अप्लाई करना है जिससे आपके बाल जड़ से काले होकर उगने शुरू हो जाएं। सो गाइज, आपको इसको इस्तेमाल करना है नहाने से एक घंटा पहले डेली रूटीन में। आपको करना है कि आपको अपनी फिंगर में कुछ इस तरीके से इसे लेना है और अपने बालों की जड़ों में कम से कम 5 से 7 मिनट तक अच्छे तरीके से मसाज करनी है। मसाज इस तरीके से करनी है कि आपके बालों की जड़ों में समाना चाहिए। अगर आपके बालों की जड़ों में समाएगा तो अच्छे तरीके से वर्क कर पाएगा। आपको 5 से 7 मिनट तक अपने बालों में अच्छे तरीके से इसे मसाज करनी है और एक घंटे के लिए अपने बालों में इसे लगा रहने देना है, ताकि जो भी चीज़ हमने इसके अंदर ऐड की हैं वो आपके बालों की जड़ों में जाए और अच्छे तरीके से वर्क कर पाए। और यही प्रक्रिया आपको हफ्ते तक करनी है, कम से कम 5 से 7 दिनों तक कंटिन्यू करनी है। और अगर आप इस नुस्खे को एक हफ्ते तक कंटिन्यू इस्तेमाल कर लेंगे तो आप देखेंगे जो आपके बाल जड़ से सफ़ेद होकर उग रहे थे वो जड़ से सफ़ेद होकर नहीं उग रहे हैं, अब वो काले होकर उगने शुरू हो गए हैं। गाइस, बहुत ही नेचुरल और बहुत ही कारगर नुस्खा है ये, 100% आपके बालों में वर्क करेगा। ये किसी भी एज के लोगों के बालों में अच्छी तरीके से वर्क करेगा। हमने इसे ट्राई किया है और जब भी इसको ट्राई किया गया है तो इसने हमेशा अपना अच्छा रिजल्ट दिखाया है, हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट आया है, बाल जड़ से काले होकर उगने शुरू हो गए हैं। सो गाइज, अगर आपको भी ऐसी ही प्रॉब्लम है तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं बेफिक्र होकर, बिना किसी साइड इफेक्ट के ये वर्क करेगा, क्योंकि जो भी चीज़ हमने इसके अंदर ऐड की है वो बहुत ही नेचुरल है। सो गाइज, अगर आपको भी ऐसी ही प्रॉब्लम है, आपके बाल भी सफ़ेद होकर उग रहे हैं और आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, तो आप इस नुस्खे को ट्राई कर सकते हैं। 100% आपको इसका रिजल्ट मिलेगा और आपका दिल बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएगा। सो गाइज, अगर आपको भी ऐसी प्रॉब्लम है तो इसे इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। आपकी कोई राय है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।